लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2019 के मतदान को सकुशल संपन्न कराने को लेकर एडीएम सिटी की अध्यक्षता में चिल्लूपार विधानसभा के सभी जोनल व सेक्टर मजिस्ट्रेटों की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2019 को सकुशल संपन्न कराने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार सभी मजिस्ट्रेट को ईवीएम के साथ वीवीपैट के प्रयोग की जानकारी दी गई तथा ये भी बताया गया कि वोट देने के बाद 7 सेकंड तक वीवीपैट में हुए पर्ची दिखाई देगी जिससे मतदान ने वोट दिया है। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव में बूथों की स्थित मतदेय केंद्रों पर शुद्ध पेयजल, शौचालय, बिजली, सुरक्षा सहित अन्य व्यवस्थाओं को भी समीक्षा की गई तथा वहां व्याप्त कमियों को दूर करने के निर्देश दिए गए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा, 7 सेकंड के लिए दिखती है और फिर कटती है, ये सावधान है। इसमें देखिए, फिर मैं एक डाल के दिखा रहा हूँ। इसमें जब हम नीले रंग का बटन दबाते हैं उसके सामने की लाल और अब बीप की आवाज़ शुरू होती है और इसमें मत उसका रिकॉर्ड होता है और इसमें मत रिकॉर्ड होते ही यहाँ का लाल बत्ती डूब जाएगा और यहाँ वाली भी लाल बत्ती साथ ही डूब जाएगा। तो ये इंडिकेशन है इनके कि कैसे कैसे इसमें सिस्टमेटिक तौर पर सब होता है। देखिए, ये पूरा सिस्टम एक तरह से मैनुअली वोट भी डाला जा रहा है और एक तरह से इलेक्ट्रॉनिकली वोट भी इसमें रिकॉर्ड हो रहा है। मैनुअली वोट एक तरह से इसमें बैलेट स्लिप आपको मतदाता देख रहा है और वो कट करके चार बाइस में गिर जाता है। ध्यान रखें, ये पर्ची तो आई और सब सूचना भी दिखा बट कट के गिरी नहीं। तो जब तक कट के गिरता नहीं, बीप की आवाज़ शुरू नहीं होता और इसमें मत रिकॉर्ड होता ही नहीं, अर्थात उसका वोट इसमें रिकॉर्ड नहीं हुआ। ड्राफ्ट बॉक्स में कट के जब तक गिरेगा नहीं तब तक उसमें माना नहीं जाएगा कि वोट पड़ा और जब तक बीप की आवाज़ के साथ इसमें रिकॉर्ड नहीं हुआ तो माना जाएगा कि उसका वोट रिकॉर्ड नहीं हुआ। अर्थात जब पर्ची दिखी कट के गिरी नहीं, इसका मतलब उस मतदाता का वोट इस मशीन में नहीं पड़ा। ऐसे केसेस में इस वीवीपैट में खराबी आ गई, इस वीवीपैट को बदला जाएगा, दूसरी वीवीपैट लगाई जाएगी और उस मतदाता को इनको तैयार करने के बाद मशीनों को कहा जाएगा तुम वोट अब करो, अब फिर वोट करेगा, फिर अब पर्ची दिखेगी, कट के गिरेगी और इसमें मत रिकॉर्ड होगा, उसको बाहर जाने नहीं दिया जाएगा जब तक उसका जो वोट खाने ना हो। तो ये बहुत ही बारीक सावधानी है, अगर ये पर्ची कट के नहीं गिरी तो उसका वोट नहीं रिकॉर्ड होगा और उसके बाद ये काम नहीं करेगा, पूरा सेट में डिस्टर्ब करें। तो चाहे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब वास्तविक मतदान आप कर रहे हैं और उस दौरान ऐसा हुआ वीवीपैट में कोई खराबी आ गई तो सिर्फ और सिर्फ वीवीपैट बदला जाएगा और चूँकि वास्तविक मतदान के दौरान यह हुआ है इसलिए वो पुराना वाला वीवीपैट का भी कस्टोडियन पीठासीन ही है और जो नया आप सौंपेंगे उसके भी कस्टोडियन हुई, आप कोई उससे लेके आएंगे नहीं। सब डलवा दिया है, अब सबके पक्ष में डालूंगा तो बहुत टाइम रहेगा। अब आप देखिए, ऐसे ऐसे वोट डलवा देंगे, वो कहेगा बहुत अच्छा सर, इसमें हमने कुल 2 मत पड़वाया था तो इसमें टोटल पोल्ड वोट दिखाएगा आपको 2। तो कहेगा कि सर ये ठीक है, ये तो दिखा दिए कितना बड़ा क्लोज होगा कि नहीं होगा, तो आप क्लोज बटन दबाइएगा और दिखाइएगा उसको, देखो ये मशीन क्या करती है। पोल क्लोज लिख दिया, अर्थात जो भी वोट बैलेट पेपर इशू ना हो तो इसका मतलब है वोट नहीं डाला जा सकता। हम दबाते हैं, देखते हैं होता है क्या। ये बैलेट बटन दबाने पर जली क्या, और यहाँ पर जो ग्रीन जलता था वो जला, नहीं तैयार है, नहीं रिकॉर्ड करने के लिए तैयार है, इस प्रकार अब उसका वोट नहीं पड़ सकता। फिर भी वो कहेगा नहीं, हम इसमें दबा के चेक करेंगे पड़ता है कि नहीं, बोलिए दबाओ, कोई बटन दबाइए। देखिए बटन दबा रहे हैं, कुछ हुआ, कोई हलचल यहाँ इसके अंदर कहीं कुछ नहीं हो रहा है। पहले भी 2 था, देखा था और अब भी 2 रहेगा उसके पुल करने के बाद, तो इंश्योर हो जाएगा कि हाँ ये मशीन सही में क्लोज हो जाएगा। ये टोटल पोल्ट 2 दिखा रहा है। अब जो मैंने कहा था उस दिन मार्क पोलिंग के दिन कम से कम 50 वोट और हर प्रत्याशी के पक्ष में कम से कम 1 वोट डलवाना जरूरी है। आज सेक्टर
सेक्टर मजिस्ट्रेट की 9वीं विधानसभा चिल्लू पार के सेक्टर मजिस्ट्रेट और जोनल मजिस्ट्रेट की दौरे के उपरांत बैठक ली गई और उनको आवश्यक निर्देश दिए गए हैं और जो जो कमियां एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ के संबंध में पाई गई हैं उसके संबंध में उसको तत्काल पूर्ण कराने के लिए कार्रवाई की जा रही है। 9 विधानसभाओं के सेक्टर मजिस्ट्रेट और जोनल मजिस्ट्रेट की ट्रेनिंग हो चुकी है, पहले राउंड की ट्रेनिंग हुई है। ट्रेनिंग में ये देखा गया है कि सभी पोलिंग बूथ पर सेक्टर मजिस्ट्रेट जाके ये चेक कर लें कि वहाँ पर दिव्यांग मतदाताओं के लिए रैंप हो और बिजली हो सेंटर पर, छाया की व्यवस्था हो क्योंकि 19 मई को काफ़ी तेज़ धूप होगी और गर्मी भी काफ़ी होगी, वहाँ पानी की व्यवस्था के लिए हैंडपम्प वगैरह हो और इसके अलावा फर्नीचर की व्यवस्था वहाँ पर हो, शौचालय की व्यवस्था फंक्शनल हो, ये सब सुविधाओं को देखने के लिए सेक्टर मजिस्ट्रेट्स को भेजा गया था। हाँ, कुछ जगहों पर कहीं पर रैंप नहीं है, कुछ जगहों पर बिजली नहीं है, कुछ जगह पर फर्नीचर नहीं है, तो वो सब व्यवस्था की जा रही है। इसको यथाशीघ्र पूरा करने के निर्देश भी जारी कर दिए। हाँ, इसके बाद इन लोगों को ईवीएम की ट्रेनिंग दी जाएगी जिसमें सीयू बीयू और वीवीपैट के साथ इनको ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि ये मास्टर हो जाएं और कोई भी गाइडेंस हो तो पीठासीन अधिकारी के पास सबसे पहले।